नमस्कार दोस्तों, फैंटम एक्सेस के ट्यूटोरियल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। इससे पहले जो मैंने वीडियो पोस्ट करी थी फैंटम एक्सेस के इंडियन ड्रोन्स के रिगार्डिंग, तो उसमें काफ़ी मुझे रिस्पांस आया था। काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किए थे कि सर आप अपनी नेक्स्ट वीडियो का पोस्ट कर रहे हैं और मुझे कुछ जैसे और इंडियन ड्रोन्स जैसे रह गए, जैसे हमारी बैंजो है, हमारी और भी कई तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके लिए लोगों ने कहा था कि सर आप इसका भी डेमो दीजिए, किस तरह का डेमो है। तो आज मैं उसका डेमो आपको नेक्स्ट टाइम आपको पोस्ट करूँगा। उससे पहले मैं आज आपको बताऊँगा कि इसके कुछ ऐसे फंक्शंस हैं, कुछ ऐसे बटन्स हैं जिनका हमको पता नहीं होता है लेकिन कीबोर्ड में अवेलेबल होते हैं। हमें इनका पता ही नहीं होता कि इनका यूज़ क्या है, लेकिन अगर उनका यूज़ अगर आपको पता लग जाता है तो आप अपने कीबोर्ड पर इनको और अच्छा बना सकते हैं, उनको आप बेनिफिट उनका उठा सकते हैं। तो कुछ ऐसे बटन से हमारे आज मैं बात करूँगा, हमारे बटन से क्लिप बोर्ड। तो क्लिप बोर्ड का लाइव प्रोग्राम में किस तरह से आप बेनिफिट उठा सकते हैं, क्या क्या इसका बेनिफिट है, क्या क्या इसके यूज़ हैं, तो मैं वो आज आपको बताता हूँ, है ना। तो फ्रेंड, जैसे ये बटन है क्लिप बोर्ड का, ठीक है। अब क्लिप बोर्ड का बटन तो कीबोर्ड में है लेकिन आपको पता नहीं कि इसका यूज़ क्या है, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आप ओपेरा मिनी चला रहे हैं, आप गूगल क्रोम चला रहे हैं, कोई भी आप ब्राउज़र चला रहे हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, कई बार आपको चार काम एक साथ करने होते हैं। आपने एक ब्राउज़र के अंदर चार टैब खुले हुए हैं, एक में आपका जीमेल आपने खोला है, जीमेल अकाउंट, एक में आपने यूट्यूब खोला है, एक में आपने कुछ और खोला है, एक आपने कुछ और खोला है, यानी चार चीज़ें आप एक साथ देख रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरह से ये जो क्लिपबोर्ड का बटन है, ये हमें फैसिलिटी देता है कि जो हमारे जैसे कि ये स्क्रीन है, स्क्रीन में जो हमारे जो काम होते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है, ट्रांसपोज का जो हमारा टैब हो गया, या फिर हमारा इसके अलावा जैसे कि हमारा परफॉर्मेंस का अलग होता है, पैच का अलग होता है, और भी वो जो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, उन सबको हम क्या कर सकते हैं, सैंपल लिस्ट हो गया, उनको हम ये जो हमारा क्लिप बोर्ड है इसमें एक एक करके जो हमारे जो बटन्स हैं इनमें हम टैब की तरह इनमें असाइन कर सकते हैं। कि जैसे हमने नंबर वन पे हमने असाइन कर दिया हमने ट्रांसपोज को, नंबर टू पे हमने प्ले जो हमारा सैंपल लिस्ट है हमने इसको असाइन कर दिया, नंबर थ्री पे हमने यहाँ पे परफॉर्मेंस को असाइन कर दिया। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप इसको असाइन कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए एक चीज़ होती है कि आप कीबोर्ड ऑन करते हैं, आपको कीबोर्ड ऑन करने के बाद लाइव सेटिंग बजाने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको पहले आपने शिफ्ट दबाया, शिफ्ट को होल्ड करके रखते हैं, फिर पैनो बोर्ड दबाते हैं, तो इस तरह से आपका ये लाइव सेटिंग में जाती है। लेकिन आप ये चाहते हैं कि लाइव सेटिंग जस्ट वन क्लिक आए, आपको कुछ ना करना पड़े, तो उसके लिए भी ये सारी चीज़ें आपके लिए यूज़फुल होंगी। जैसे कि हमने मान लीजिए ये हमारा पेज है, ये हमारा लाइव सेटिंग का पेज आ गया। अब हम ये चाहते हैं लाइव सेटिंग वन टच आए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो क्लिप बोर्ड का बटन है, क्लिप बोर्ड के बटन को होल्ड करके रखना है जैसे आपको, और मान लीजिए आपको इसको आपको असाइन करना है नंबर वन पे, ठीक है। तो आप इसको नंबर वन को दबा दीजिए, ठीक है। तो ये नंबर वन पे आपका असाइन हो गया। तो आपको क्या करना है, जब भी आप कीबोर्ड ऑन करेंगे क्लिपबोर्ड का बटन आपको दबा के रखना है, इससे लाइट जलेगी। ये मैंने पहले से इसमें असाइन करे हुए, इसलिए इसमें लाइटें जल रही हैं, आप करेंगे आपके में नहीं होगी। तो जैसे कि आपने क्लिपबोर्ड का बटन दबाया, लाइट जल रही है, और मैंने जैसे कि आपके सामने नंबर वन पर इंस्टॉल करा था, ठीक है। तो अब मैं जैसे कि नंबर वन का बटन दबाऊंगा, तो देखिए नंबर वन का बटन दबाया तो जैसे आपका वही पेज दोबारा से खुल गया। यानी आपको स्विफ्ट दबा के होल्ड करने की कोई किसी चीज़ की कोई आपको ज़रूरत नहीं है, वन टच आपका सारा काम हो रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए हमें ट्रांसपोज करना, तो ट्रांसपोज हम लोग कैसे करते हैं, जैसे कि ये हमारे बटन से असाइनेबल SW, ठीक है। तो लोग इस पे असाइन कर लेते हैं, लेकिन मान लीजिए कभी आपका कीबोर्ड का ये बटन काम नहीं कर रहा है, या फिर कई बार होता है ना कि बटन आप एक बार दबा दो बार दबाते हैं लेकिन दबता एक बार ही, यानी आपने ट्रांसपोज दो की करनी लेकिन ट्रांसपोज एक ही होती है, या फिर कई बार दो बार दबाना तीन बार दब गया, तो आप कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि लाइव सेटिंग में शो तो करता नहीं कि ट्रांसपोज की बोझ हुआ कितना है आपके, ट्रांसपोज क्या आपका स्क्रीन क्या स्केल चल रहा है ना, ठीक है। तो उसके लिए लोग मेन्यू में जाते हैं, काफ़ी लंबा प्रोसीजर है। तो उसके लिए भी एक बहुत सीधा साधन है कि आप क्या करेंगे, उस पेज को आप क्लिप बोर्ड पर आप असाइन कर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ तरीका, उसके लिए क्या करना है, जैसे कि आप कोई भी पेज ले लीजिए, जैसे मैंने आपको पहला पेज सेव करने पर सिखाया, जैसे कि हम दोबारा से मेन्यू में जाते हैं, मेन्यू में गए हम, सिस्टम में गए, सिस्टम में हम साउंड में जाते हैं, ठीक है। तो साउंड में जाके ये पेज है, इस पेज के थ्रू हमारा जो कीबोर्ड ट्रांसपोज होता है, तो हमें क्या करना है, बस जस्ट इस पेज को हमने असाइन कर देना है क्लिप बोर्ड पर, ठीक है। तो उसके लिए सेम तरीका, दोबारा हम क्लिप बोर्ड के बटन को होल्ड करके रखेंगे। अब मान लीजिए हम इसको दो नंबर पर सेव करना, मान लीजिए चार पर सेव करना है, चार पर कुछ असाइन नहीं, हमने चार का इसको होल्ड करके रखना है, इसको छोड़ना नहीं है, आप छोड़ देंगे तो नहीं होगा, इसको होल्ड करके रखना है। फिर हमने पाँच नंबर का बटन प्रेस कर देना है, हमने पाँच नंबर का बटन प्रेस करा, अब देखिए उस पर लाइट जल गई, यानी कि इसका मतलब ये असाइन हो गया। आप देख भी सकते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे ये सारे पेजेस सेव हैं, तो इस पर जैसे कि ट्रांसपोज का बटन सेव, ये सेव हो गया, तो पेज आपको शो भी कर रहा है यहाँ पे। तो ये देखिए अब जैसे कि आप दोबारा से हम क्लिप बोर्ड पर जाएंगे, और हमें वही तरीका है, हम ट्रांसपोज करना है, जैसे अब हम लाइव सेटिंग में प्ले कर रहे हैं, अभी हम प्ले कर रहे हैं, जैसे मैंने नन पे इंस्टॉल करा था, ये देखिए हमारे आ गया। अब हम जैसे मान लीजिए हम ट्रांसपोज करना है, तो हमें बहुत एकदम जस्ट ट्रांसपोज चाहिए कोई, तो क्या करना है, हमें क्लिप बोर्ड का बटन दबाना है, वन टच दबाया, हमने चार नंबर ट्रांसपोज करा था, तो हमने बस पाँच नंबर प्रेस कर देना है। तो आप देखिए आपके सामने ही ट्रांसपोज का पेज आपका खुल गया है,
तो आपको कितना इजी हो गया है आपको, है ना, यहाँ पे आप जाके ट्रांसपोर्ट करेंगे, आपको दिख भी रहा है कि ट्रांसपोर्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, कितना की आपका ट्रांसपोर्ट हुई है, वैसे पहले आप मेनू में जाना, फिर सिलेक्ट करना, ये सब इतना है, तो वो सारा झंझट आपका खत्म, जस्ट आपका वन टच। ऐसे हमारा सैम्पल लिस्ट है, सैम्पल लिस्ट आप यहाँ से खोल सकते हैं, प्रीसेट है, यूज़र है, कार्ड है, कार्ड लगाया नहीं मैंने, कार्ड जैसे आप लगाते हैं तो वो पेज बस आपको सेव करना है, तो वही सेम इसमें भी तरीका है, आपने बस सैम्पल लिस्ट ये क्लिप बोर्ड पर जाना है, क्लिप बोर्ड को होल्ड करना है, जिस पर भी आपको साइन करना, मान लीजिए आपको साइन करना साथ पे, साइड पर साइन कर दिया आपने, लाइट जल जाएगी, हाँ जी यहाँ पर साइन हो चुका है, ठीक है, तो आपने जैसे यहाँ पर साइन कर दिया तो फिर आपने क्या करना, बस की बोर्ड में आपने क्लिप बोर्ड दबाना, 7 नंबर दबाना, सैम्पल लिस्ट आपकी खुल गई यहाँ पर। तो ये बहुत ही आसान तरीका है इस क्लिप बोर्ड के बटन की, ये यूज़ हैं जिसमें आप अपने कीबोर्ड में कोई भी चीज़ आपको सर्च करनी है, कोई कोई सैंपल निकालना है, कोई आपको ट्रांसपोज करना है, कुछ भी करना है तो फटाफट आपको क्लिप बोर्ड दबाया हुआ, जैसे कि मैं यूज़ करता हूँ फटाफट से मेरे को, तो देखिए मैं इतना ईजी बनाया था कीबोर्ड बजाना यहाँ पे, इतना ईजी हो जाता है। अब ये प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए आपने असाइन कर दिया, फिर आपको ऐसे रिमूव करने हैं, तो आप कहेंगे कि असाइन तो कर दिए, चेंजेस करने हैं आपको, तो रिमूव करने का भी बहुत ईजी है, बस आपको क्लिप बोर्ड को असाइन करना है, मान लीजिए आपने 1 नंबर पर पहले कुछ असाइन किया था, अब इसको आपको ऐसे रिमूव करना है, तो अभी देखिए ये जो लाइटें जल रही है ना, तो इन पे सब कुछ असाइन है, ठीक है, ये जो लाइट जल रही है इन पर असाइन है, और जो लाइट नहीं जल रही है इन पर कुछ असाइन नहीं है, मान लीजिए वो 1 नंबर पर मैंने असाइन करा था, अब इसको हमें हटाना है, यहाँ पे कुछ और लगाना है, तो क्या करना है, इसको होल्ड कर रखना और इसको दबा देना है, ठीक है, तो आप जैसे इसको होल्ड करके रखेंगे, उसको दबाएंगे तो ये हट जाएगा, जैसे 5 नंबर पर हटाना है तो 5 भी हटा दिया, 2 भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, सब हटते चले जाएंगे, तो हटाना लगाना बहुत ईजी है, जो भी पेज आपका ज़्यादा यूज़ होता है, ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा यूज़ होता है, सैम्पल का ज़्यादा यूज़ होता है, या आपका लाइव सेटिंग का पेज ज़्यादा यूज़ होता है, तो बस कीबोर्ड ऑन करके जैसे आपको क्लिप बोर्ड का बटन दबाना है, जहाँ पे भी असाइन करेंगे उस पर प्रेस करना है और आपका काम चालू, ठीक है फ्रेंड। तो दोस्तों ये हमारा आज का ट्यूटोरियल था फैंटम एक्सेस के फंक्शंस के बारे में, तो अब जो नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करूंगा उसमें आपको फैंटम एक्सेस की जो टोन हमारी रह गई थी पिछले वीडियो में, जैसे कि हमारी बैंजो रह गई थी, प्लक रह गया था हमारा, तोते रह गई थी और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट रह गए थे, तो उसमें मैं आपको उन टोन्स का डेमो दूंगा, आज मैंने जैसे आपका क्लिप बोर्ड का आपको यूज़ बताया, और भी कई ऐसे बटन्स रह गए हैं अभी इस कीबोर्ड के अंदर जिनका आपको पता नहीं होता, लेकिन उनका अगर आपको पता लग जाए तो आप कीबोर्ड बजाना और आसान आपके लिए हो जाता है, तो उसका मैं आपको डेमो दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है फ्रेंड्स।